आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। निरंकारी सत्य समागम 17 दिसंबर को होने जा रहा है। यह नजीबाबाद नगीना रोड पर होने जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त आएंगे। उन भक्तों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये महिला, ये पुरुष, ये बच्चे जो सेवा कर रहे हैं, सेवा करने का निरंकारी मिशन में अलग ही महत्व है। किस्मत वाला ही उनकी सेवा करने का मौका देते हैं। निरंकारी मिशन में ये महिला सुबह से ही उन जो दूर दराज से उनके भक्त आएंगे, निरंकारी भाई आएंगे, बहनें आएंगी, उनकी सेवा के लिए ये समागम की तैयारी में जुटी हैं। महिला सुबह से ही घास साफ कर रही हैं और फील्ड को कंकड़ पत्थर ईंटों से मुक्त कर रही हैं, क्योंकि यहाँ समागम होगा, यहाँ पर महिला रुकेंगी। बाहर के आए हुए भक्त यहाँ पर रुकेंगे। नजीबाबाद से 1 किलोमीटर दूर खिदरीपुरा के सामने चल रहा है निरंकारी मिशन का प्रोग्राम, जहाँ पर भारी संख्या में क्या नाम है आपका पहुँचेंगे। ये सफाई किस उद्देश्य से करी जा रही है आपकी? ये हमारी सतगुरु माता जी आने वाली है, उसके पक्ष में यहाँ सफाई अभियान हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशी भारती। आप कितने दिनों से जुड़ी हैं सत्संग से? काफी टाइम हो गया है। क्या क्या कार्य करते हैं आप लोग? हम सेवा करते हैं, जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ती है वहाँ सेवा करते हैं, जैसे कि रक्तदान शिविर भी लगाते हैं, सफाई अभियान करते हैं, जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ती है वहीं जाते हैं। आपने रक्तदान कितनी बार किया? मैंने तो नहीं किया, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर ने सबने कर चुके हैं। अरे सब ऐसा खोड़ी बुलाना है जो सेवा कर रहे हैं उनकी मशीन है। भाभी आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? हम हमारे सेवा करने के लिए आए हैं। किसके उद्देश्य, क्या उद्देश्य है सेवा करने का? हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी यहाँ आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? 17 तारीख को, 17 तारीख संडे के दिन। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ माता जी का समागम होगा। समागम, कितने आपके भक्त आएंगे यहाँ पर, कितने लोग यहाँ पर पहुँचेंगे? लगभग 10 से 15 के बीच में, 15,000 10-15 हज़ार आदमी यहाँ पर पहुँचेंगे। उनके खाने पीने की व्यवस्था सब यहाँ पर है? सब सेवा दल करेगा। सेवा दल करेगा। ये कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा? ये एक दिन का प्रोग्राम है। एक किस टाइम से किस टाइम तक रहेगा? इसका समय है 11 बजे से 2 बजे तक। 11 बजे से 2 बजे तक वैसे लंगर शाम तक चलेगा। लंगर तो शाम तक चलेगा, सभी सेवा दल के लिए सभी। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा। आप यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं, सतगुरु के दर पे। सतगुरु की सेवा? कौन से सतगुरु की? निरंकारी मिशन के द्वारा। बोलो ना, निरंकारी माता। निरंकारी मिशन के द्वारा निरंकारी माता सुदीक्षा जी महाराज। अच्छा, सेवा माता जी आ रही हैं यहाँ 17 तारीख। अच्छा, तो आप उनके सफाई व्यवस्था कर रहे हैं, उनके बैठने के लिए सफाई व्यवस्था, महापुरुषों के लिए सफाई की व्यवस्था। महापुरुषों के लिए, महापुरुष कौन कौन आ रहे हैं? महापुरुष जी हमारी जो संगत होती है आसपास। अच्छा, जो संगत होती है वही महापुरुष है। आप इससे कितने दिनों से जुड़े हैं? जी हम तो 20-25 साल से जुड़े हुए हैं। 20-25 साल से। आप देख रहे हैं निरंकारी मिशन के द्वारा जो आज यहाँ भंडारा किया जा रहा है। महिला जो कार्य कर रही हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था कर रही हैं। बड़ी संख्या में यहाँ भक्त आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हैं, और आज उनका दोपहर का खाना यहीं रहेगा। 17 तारीख में सत्संग होना है, जिसमें इनके दूर से दराज के लोग आएंगे, उनकी खाने व्यवस्था यहाँ पर करी जाएगी। ये महिला खाना बना रही हैं। आपका शुभ नाम? तारा देवी। आप यहाँ किस कार्य के उद्देश्य से यहाँ पर आई हैं और खाना बना रही हैं, किसके लिए बना रही हैं? सतगुरु की सेवा के। सतगुरु की सेवा के लिए। कितने लोग यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं आज? यहाँ पर 100 लोग। 100 आदमी यहाँ पर आज सेवा कर रहे हैं, उनका खाना बना रही हैं आप? जी हाँ। ये सेवा कब तक करेंगे आप लोग? हमारी सेवा नहीं तो ये 17 तारीख तक ऐसे चलता रहेगा। हाँ, 17 तारीख तक ऐसे चलता। डेली आप सुबह से आके शाम तक काम कर देंगे? सुबह से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नजीबाबाद जाकर। जापतागंज के। आप लोग कहाँ के हैं? सुभाष नगर। सुभाष नगर के। क्या नाम है आपका? श्याम लता। आपका क्या नाम है? सुनीता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नजीबाबाद के गुरुद्वारे के पास। आपका क्या नाम है जी? आराधना। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मलयन कॉलोनी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सतगुरु जी के लिए खाना बना रहे हैं। जो यहाँ सेवा कर रहे हैं उनके लिए खाना बना रहे हैं।
आज खाने में आपने क्या क्या बनाया है? आज हमने अरहर की दाल बनाई है, आलू गोभी की सब्जी बनाई है, चावल बनाए हैं, रोटी बनाई है। ये कितने आदमी का भोजन बना रहे हैं आप? लगभग 200 लोग जो यहाँ सेवा, 200 महापुरुष सेवा कर रहे हैं उनके लिए ये लंगर बनाया है। ये कब तक चलाएंगे लंगर आप? ये लंगर हमारा जब तक हमारे सतगुरु का प्रोग्राम होगा 17 तारीख तक लंगर चलेगा। डेली सेवा में लगे रहे जी, रोज सेवा होगी। रोहित सागर, देवेंद्र कुमार, मैं मीडिया प्रभारी का दास का यहाँ पर पद है और 17 तारीख को एक विशाल संत समागम का यहाँ पर आयोजन होने वाला है, जिसमें खुद निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी यहाँ पर पधार रही हैं और लगभग 10 से 20 हजार के लगभग श्रद्धालु यहाँ पर माता जी के दर्शन के और आशीर्वाद के लिए पहुँच रहे हैं। और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर रोज सेवाएँ चल रही हैं, जैसे कि साफ़ सफाई की सेवा हो गई है और लंगर के पंडाल की सेवाएँ हो गई हैं और माता जी के पंडाल की बैठने की यहाँ पर सेवाएँ चल रही हैं। और यहाँ की जो आसपास की जो जनता है वो खूब बढ़ चढ़कर यहाँ पर सद्गुरु के चरणों में हिस्सा लेने के लिए पहुँच रहे हैं। क्या नाम आपका? आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं? जो हमारा सद्गुरु सुदीक्षा जी आ रही हैं उनकी व्यवस्था बना रहे हैं, वो बनेगा स्टेज। कब आएंगी आपकी सुदीक्षा जी? 17 तारीख में। कितने लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं आप? कम से कम 30,000 की व्यवस्था हो रही है। 30,000 की जी। तो उद्देश्य क्या है आपका यहाँ पर? उद्देश्य ये है कि इंसान सोया हुआ है, जगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, इंसान सोया हुआ है उसको जगाने का कार्य कर रहे हैं। ईश्वर है, इसको जो है हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते रहे कि इन्हें दर्शन नहीं हुआ, इस बात को जो है सतगुरु आवाज़ दे रहे हैं कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को, सतगुरु क्षण में मानव कर दे मेरे सम है मानव को, जिस ईश्वर को ढूंढे दुनिया कहूँ कहाँ पर रहता है, संत हृदय में वास है इसका, बैठ जिभ्या गुण कहता है, पूरे गुरु की शरण में आओ, तन मन धन का छोड़ो मान, जिस दाता को ढूंढ रहे हो क्षण में देखो ये भगवान, के इस सर्वव्यापी परम सत्ता को दिखाने के लिए जो है ये पूर्ण सदगुरु का जो है यहाँ पर संत समागम है। मोबाइल में कोई मत देखो। आप देख रहे हैं निरंकारी मिशन के द्वारा महिला सेवा में लगी हुई हैं। यह खिद्रीपुर के पास चल रहा है, जहाँ पर 17 तारीख को निरंकारी बाबा मिशन के द्वारा हजारों भक्त यहाँ पर पहुँचेंगे। महिला सुबह से ही सेवा में लगी हुई हैं।